हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं तारचंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट सेकंड। अब बीए पार्ट सेकंड के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है वो है हरित क्रांति, सेक्शन सी। तो हरित क्रांति के संबंध में हम स्पष्ट रूप से पहली वीडियो में स्पष्ट किया कि हरित क्रांति क्या है, अर्थात कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करना ही हरित क्रांति है। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करना ही हरित क्रांति है। जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति की तुलना में हमारा खाद्यान्न उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए एक चिंता का विषय है। तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना या कृषक क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि करना ही हरित क्रांति है। अब हरित क्रांति का क्या प्रभाव है? निश्चित रूप से हरित क्रांति का भारतीय समाज पर, कृषि के उत्पादन पर, आयात मात्रा पर तो प्रभाव पड़ा है। लेकिन एक तरफ प्रभाव के साथ साथ भारतीय समाज प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा है, जिसके कारण कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। तो ये समस्याएं आज हम बात करते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो पहली है बेरोजगारी की समस्या। कि बेशक रूप से हरित क्रांति में नए नए साधनों के द्वारा, नई नई पद्धतियों के द्वारा, नए नए खाद बीज साधनों के द्वारा हम कृषि उत्पादन करते हैं, जिससे हमारी खाद्यान्न उत्पादन या फसल में या उत्पादन की मात्रा में तो वृद्धि हुई है। लेकिन एक तरफ हमारे सामने एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है, बेरोजगारी। कि हम जब परंपरागत रूप से जब कृषि कार्य करते थे तो हल बैल और मानव की श्रम शक्ति अधिक हुआ करते और सभी व्यक्तियों को रोजगार मिलता था। लेकिन अब कृषि के अंतर्गत विभिन्न साधनों के द्वारा किया जाता है, जिससे कि समाज के अंतर्गत बेरोजगारी हुई है। अर्थात पहले जहाँ हम कृषि कार्य हल बैल या फिर मानव की शक्तियों द्वारा करते थे, सामूहिक रूप से संपूर्ण कार्य संपन्न करते थे, अब वो कार्य यंत्रों के द्वारा किया जाता है। तो जैसे जैसे समाज में हरित क्रांति का विस्तार हुआ, वैसे वैसे समाज के अंतर्गत बेरोजगारी बढ़ती गई। तो सबसे जो प्रभाव पड़ा है हरित क्रांति पर, वो व्यक्ति की श्रम शक्ति घटी है और अर्थात बेरोजगारी बढ़ी है। दूसरी जो समस्या है क्षेत्रीय असमानता। कि हरित क्रांति को जो लागू किया है वो सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू नहीं किया गया। जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति को लागू किया गया है, नए नए साधनों को लागू किया गया है, नए नए यंत्रों के द्वारा उत्पादन किया जाता है, वो क्षेत्र आज समृद्ध है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पर हरित क्रांति को लागू नहीं किया गया या लागू नहीं हो पाई है, वो क्षेत्र आज भी पिछड़े हुए हैं। तो एक तरफ तो वो क्षेत्र जहाँ पर हरित क्रांति को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता उत्पन्न वृद्धि हुई है, और एक तरफ ये क्षेत्र जहाँ पर हरित क्रांति को प्रयोग नहीं हुआ है और आज भी वो पिछड़ी अवस्था में है, वहाँ उत्पादन पहले की यथावत स्थिति है पहले जैसी। तो ऐसी स्थिति हम देखते हैं कि भारतीय समाज में एक क्षेत्रीय असमानता देखने को मिलती है। कि जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रयोग किया है वहाँ उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, समृद्ध है, और जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रयोग नहीं हो पाया है वे क्षेत्र आज भी पिछड़े हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हरित क्रांति ने हमारे भारतीय समाज के अंतर्गत क्षेत्रीय असमानता उत्पन्न किया है। तीसरा है व्यक्तिगत असमानता। कि क्षेत्रीय असमानता ही नहीं बल्कि साथ साथ व्यक्तिगत असमानता भी देखने को मिलता है। कि भारत में विभिन्न प्रकार के समाज, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई समृद्ध है तो कोई कमजोर है, तो कोई भूमि है ही है तो कोई साधन संपन्न है, कोई साधन ही है। तो इस दृष्टि से देखा जाए कि जिन लोगों ने हरित क्रांति के साधनों का उपयोग किया है उनके उत्पादन की क्षमता में वृद्धि हुई है, आज वो समृद्ध हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र जो साधनहीन होने के कारण, गरीब होने के कारण, उन लोगों ने अपने कृषि के अंतर्गत हरित क्रांति के साधनों का प्रयोग नहीं कर पाए तो आज वो पिछड़े हुए हैं। तो इससे क्षेत्रीय असमानता के साथ साथ ऐसा भी स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत असमानता भी देखने को मिलती है। कि एक तरफ व्यक्ति में समृद्धता आई है जिन लोगों ने हरित क्रांति का प्रयोग किया है, लागू किया, अपनाया है, और एक तरफ जो हरित क्रांति से वंचित रहे वो आज भी पिछड़े हुए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज के अंतर्गत हरित क्रांति ने क्षेत्रीय असमानता को उत्पन्न किया है। सामाजिक स्त्रीकरण परिवर्तन। निश्चित रूप से समाज के स्तर में परिवर्तन आया है, बदलाव आया है, भेदभाव में परिवर्तन आया है। कि अब जिस गति से उत्पादन बढ़ रहा है उस गति से लोगों की आय में वृद्धि हुई है, जिससे पहले की तुलना में लोग समृद्ध हुए हैं। अर्थात जो लोग हरित क्रांति को अपनाते हैं
वो आज समृद्ध स्थिति में और जो लोग हरित क्रांति से वंचित रह गए वो आज पिछड़ी की अवस्था में, इसलिए स्पष्ट होता है कि पहले की तुलना में हरित क्रांति आज भी भारतीय समाज के अंतर्गत भेदभाव असमानता या सामाजिक स्त्रीकरण को उत्पन्न किया है। भूमि सुधार में असमानता के हरित क्रांति केवल उत्पादन वृद्धि तो की है, लेकिन भूमि सुधार में भी असमानता स्पष्ट होती है कि जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति के साधनों को अपनाया गया है, प्रयोग किया गया है, क्षेत्र में वृद्धि हुई है, उत्पादन वृद्धि हुई है, उन क्षेत्रों में तो भूमि को सुधार किया गया है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जहाँ पर इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में भूमि के अंतर्गत भी असमानता देखने को मिलती है। छठवां जो टॉपिक है, अधिक उत्पादन लागत। निश्चित रूप से हरित क्रांति को लागू तो किया गया, उत्पादन में वृद्धि भी हुई है, लेकिन उत्पादन की जो लागत तो है, उत्पादन की जो लागत वो पहले की तुलना में अधिक हुई है। अर्थात पहले साधन सरल सस्ते थे और मानव की श्रम शक्ति पर आधारित थे जो कि अपने स्वयं के हुआ करते थे। अब जो साधन हैं वो महंगे हैं, जिससे कि संसाधनों की महंगाई के कारण उत्पादन की लागत अधिक आती है। बेशक उत्पादन वृद्धि तो हुई है, लेकिन उत्पादन करने के लिए कृषि में लागत में भी वृद्धि हुई है। तो इस आधार पर स्पष्ट करते हैं कि जैसे जैसे हरित क्रांति को अपनाया गया है, वैसे वैसे लागत की उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई है। संसाधनों का समान वितरण, जैसा कि जितने भी हमारे संसाधन हैं हरित क्रांति के, उनमें असमानता देखने को मिलती है। और लास्ट में जो टॉपिक है, परिवर्तन में असमान गति, कि हरित क्रांति में बेशक रूप से सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और भूमि के अंतर्गत तो सभी स्तरों में असमानता देखने को मिलती है। एक तरफ तो वो क्षेत्र जहाँ पर हरित क्रांति को पूर्ण रूप से अपनाया गया है, हरित क्रांति को पूर्ण रूप से अपनाया गया है, और दूसरे वे क्षेत्र जो आज भी हरित क्रांति से वंचित हैं, किन्हीं कारण से वे हरित क्रांति का उपयोग नहीं कर पाए, तो आज भी क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। तो जहाँ हरित क्रांति को अपनाया गया वो समाज अब समृद्ध गति में है, और जहाँ नहीं अपनाया गया वो आज भी पिछड़ी अवस्था में है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि हरित क्रांति से मानव समस्या पर अनेक प्रभाव भी पड़े हैं और अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिसमें सबसे जो पहली समस्या है वे बेरोजगारी की समस्या। अर्थात भारतीय समाज के अंतर्गत हरित क्रांति ने बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है, बेरोजगारी को उत्पन्न किया है, कि पहले जो परंपरागत साधन थे उनमें सभी व्यक्ति को श्रम मिलता था, कार्य मिलता था, और लेकिन अब साधनों के द्वारा, नई नई साधनों के द्वारा, नई नई पद्धतियों के द्वारा, नई नई तकनीकों के द्वारा जब हरित क्रांति की जाती है तो पूर्ण रूप से व्यक्ति बेरोजगार हुआ है। हरित क्रांति ने क्षेत्रीय असमानता को उत्पन्न किया है। पहले क्षेत्रीय असमानता ऐसी नहीं थी, लेकिन जिन क्षेत्रों के तरह हरित क्रांति को अपनाया गया है वो आज समृद्ध है, विकास के स्तर पर है, और जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति को नहीं अपनाया गया वो यथावत पिछली व्यवस्था है। हरित क्रांति ने केवल क्षेत्रीय असमानता को नहीं बल्कि व्यक्तिगत असमानता को भी अपनाया। जिन व्यक्तियों ने हरित क्रांति को प्रयोग किया है वो आज उच्च स्तर पर हैं, समृद्ध हैं, शक्तिशाली हैं, प्रबुद्ध हैं, और जिन क्षेत्र लोगों ने हरित क्रांति को नहीं अपनाया गया वे आज भी पिछड़ी अवस्था के अंतर्गत हैं। सामाजिक स्त्रीकरण अर्थात समाज में भेदभाव उत्पन्न किया है, अधिक असमानता स्तरों में विभाजित किया है, और भूमि में सुधार कार्यक्रम में असमानता अर्थात जिन क्षेत्रों के अंतर्गत जो भूमि के अंतर्गत हरित क्रांति को अपनाया गया है वो क्षेत्र, और एक तरफ जो क्षेत्र जिनमें भूमि या हरित क्रांति को नहीं अपनाया गया है, इस आधार पर स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय असमानता के साथ भूमि असमानता भी देखने को मिलती है। अधिक उत्पादन लागत अर्थात हरित क्रांति से उत्पादन की वृद्धि हुई है, लेकिन उत्पादन के साथ साथ उत्पादन की लागत में भी वृद्धि हुई है। और संसाधनों में असमान वितरण अर्थात हरित क्रांति को सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू नहीं किया गया, इस आधार पर स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय असमानता देखने को मिलती है। और परिवर्तन की असमान गति अर्थात ये जो हरित क्रांति द्वारा सभी क्षेत्र व्यक्तिगत सामाजिक स्त्रीकरण के अंतर्गत क्षेत्रीय असमानता देखने को मिलती है, सामाजिक परिवर्तन की असमान गति देखने को मिलती है। और आज ये हमारा टॉपिक जो रहा है वो लास्ट है, हरित क्रांति समाप्त।